press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So hey guys, welcome back to another video. और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट 2020. तो निर्मला सीतारमण जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज पेश किया इंडिया का बजट. तो उस बजट में आपको कैसे इम्पैक्ट हुआ और आप पे क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. पूरा बजट मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं आपके सामने पूरा की पॉइंट, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप पे क्या चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा और आपको कैसे ये बजट इम्पैक्ट करेगा. तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा. तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मैं आपके साथ ऐसी सी और भी वीडियोस लाता रहता हूँ. तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टैक्स से रिलेटेड चेंजेस जो सबसे ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट करते हैं. तो जो इस बार जो क्या हुआ बजट में, बहुत ट्रिकी चीज़ करी सरकार ने जो एज इट इज़ रेगुलेशन थी उसको चेंज नहीं किया, तो बल्कि आपको क्या कर दिया, एक और स्कीम दे दी है. तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप पहली स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं जो करंटली चल रही थी या नई स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं. मतलब जो पहले चल रही थी स्कीम अगर उसको वो ऑप्ट करता रहता है तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं. बजट जो स्टेटस था पहले और वो अभी वो करंट सेम ही रहा. तो क्या किया इस बार, तो जो पहले मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट पहले बता देता हूँ. पहले की जो स्लैब रेट थी वो थी 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%. अब क्या हो गया है, जो 5 लाख तक थी 0, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15% और 10 से 12.5 पर 20%, 12.5 से 15 तक 25% और 15 से ऊपर 30%. तो आप भी सोच रहे होंगे भाई नई वाली टैक्स रेट तो मतलब नई वाली टैक्स स्लैब तो बढ़िया है, मैं तो उसी को चुनूंगा. बट यहाँ पे कैच क्या है, जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको मिलती थी वो नई वाली स्लैब रेट पे नहीं दी जाएगी. तो मतलब 100 से ज़्यादा एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको मिलती थी, उसमें से 70 से ज़्यादा आपके लिए ख़त्म कर दी गई है. मतलब तकरीबन 30 एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है जो आपको मिलती रहेगी. बट जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, एग्जेम्पशंस लेने के लिए, डिडक्शंस लेने के लिए, हाउसिंग लोन ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखी है, उनके लिए नई स्कीम में कोई जगह नहीं है. मतलब कोई बेनिफिट नहीं है. अगर मैं कंपेयर करूँ नॉर्मली तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑलरेडी सेविंग कर रहे हैं लोग उनके लिए नई टैक्स स्लैब रेट से मतलब नुकसान ही होगा. तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है कि हम आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप पैसे ज़्यादा खर्चना चाहते हैं, मतलब आप सेविंग नहीं चाहते, आप अपने पास ज़्यादा टेक होम पैकेज मतलब ज़्यादा पैसे रखना चाहते हैं, आप खर्चे ज़्यादा करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये स्कीम दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा पैसा खर्चे और ज़्यादा मतलब परचेजिंग पावर आपकी बढ़े. बट जो ऑलरेडी लोग सेव कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, इससे डीमोटिवेट होंगे. मेरे जैसे लोग जो ऑलरेडी कई जगह सेव करते हैं डिडक्शन एग्जम्पशन लेने के लिए, वो डीमोटिवेट होंगे. तो मेरे को क्यों दिखेगा कि एक सामने बंदा है वो ना एग्जाम ना सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब भी उसको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है. तो मेरे पास भी थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा कि भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है बेनिफिट, बट उसको बेनिफिट मिल रहा है. तो थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनके लिए डीमोटिवेटिंग होगा. हाँ, कुछ लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि उनको लगेगा कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ. यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा जो सेविंग करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते तो उनको लगेगा कि ना मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ बट मेरे को टेक होम पैकेज मेरा बढ़ जाएगा. तो इसके दोनों प्रोस एंड कॉन्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक सेपरेट वीडियो में, पूरा चार्ट बना के कि कौन से स्लैब रेट पे ज़्यादा बेनिफिट है और कौन से मतलब नए स्लैब रेट पे ज़्यादा बेनिफिट है या पुराने स्लैब रेट पे जाना बेनिफिट है, विद एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले कुछ वीडियोस में. मतलब इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. तो आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो और बड़ी अनाउंसमेंट है कि जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म कर देंगे. कंपनीज़ को डिविडेंड जो इशू करती थी उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, वो खत्म हो जाएगा. टैक्स पेयर का चार्टर लाने की बात करें जिससे जो टैक्स पेयर की हरासमेंट होती थी वो कम हो जाएगी. पावर सेक्टर में कह रहे हैं जो पावर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनको कंसेशनल रेट मतलब 15% पे टैक्स रेट लगाया जाएगा. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे 22% टैक्स रेट लगाया जाएगा 30% के कंपैरिजन में. स्टार्टअप्स के लेके भी बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है कि पहले क्या था कि जो 25 करोड़ पे जिनका टर्नओवर था स्टार्टअप्स का, उनको पहले 3 साल तक टैक्स की 100% डिडक्शन मिलती थी. मतलब पहले 3 साल तक उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था,
बट इसकी लिमिट क्या होगी है 100 करोड़ पे। अगर आपका स्टार्टअप है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक का है तो पहले 3 साल आपको इनकम टैक्स में पूरी छूट मिलेगी इस मतलब अनाउंसमेंट के बाद। MSMEs के लिए भी बढ़िया खबर है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो उन्हें ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 1 करोड़ रुपए तक की थी, अब वो लिमिट 5 करोड़ रुपए तक की हो गई है। मतलब 5 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। और जो MSMEs एम्प्लॉयज़ को ईसोप इशू करती थी तो इन एम्प्लॉयज़ को भी टैक्स है वो डेफर कर दिया गया। मतलब आप 5 साल तक उस पर टैक्स नहीं देंगे या आप जब तक कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, जो भी इवेंट पहले होता है तब तक आप पे टैक्स नहीं लगेगा। ये तो बात होगी टैक्स रिलेटेड। एक और अनाउंसमेंट जिसका आप पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहले क्या था कि जो आपका बैंक में डिपॉजिट था जो 1 लाख रुपये तक का वो था इंश्योर्ड था। मतलब आपने सुना होगा कि बीच बीच में बहुत सारी बैंक्स थे वो स्टैम्प डालते थे कि आपका 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है जो आपके पैसे में जो अकाउंट में पैसे डले, बट उसकी अब 5 लाख तक कर दी गई है सीमा। मतलब अब आपके जो बैंक में पैसे हैं वो 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है जो पहले 1 लाख तक थे। तो ये था जो आप पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा, आपके 5 लाख रुपए तक पैसे सेव हैं। जो PSB जैसे बैंक्स में फ्रॉड हुए, जो बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड्स को देखते हुए ये मतलब स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, तो जो तारीफ के काबिल है, मतलब जो अच्छा स्टेप है। साथ ही साथ 1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्टेशन पर अलोकेट करने की बात करी है, 2.3 करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर सेक्टर में देने की बात करी है, 6000 करोड़ रुपये भारत नेट प्रोग्राम में डालने की बात करी है जिससे मतलब घर घर में फाइबर के थ्रू नेट जाएगा उस पर डालने के लिए, 4400 करोड़ रुपीस उन्होंने बात की है क्लीन एयर के लिए देने के लिए ताकि जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है उस पर थोड़ा लगाम लग सके, 2500 करोड़ रुपये टूरिज्म प्रमोट करने के लिए दे रही है, 3150 करोड़ रुपये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स को देने की बात करी है, नेशनल गैस मतलब क्लीन रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए 22000 करोड़ रुपये देने की बात करी है, 99000 करोड़ रुपीज़ एजुकेशन सेक्टर में लगाने की बात की है, 69000 रुपीज़ हेल्थ केयर सेक्टर में लगाने की बात की है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 55000 करोड़ रुपीज़ अप्रोक्स दिए गए हैं, 85000 करोड़ रुपीज़ अप्रोक्स SC ST के लिए दिए गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अलोकेशंस हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, वो डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगी बट किसी ना किसी तरह आप मतलब बजट से रिलेटेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ तो जो जल्दी मेरे चैनल पे आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और कौन सी चीज़ें इस बजट के बाद सस्ती हुई है। तो उस वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि साथ ही साथ आप अपने भी आप व्यूज शेयर कर सकते हैं कि आपको ये बजट से कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या है थी आपकी उम्मीदें, क्या आपकी उम्मीदें फुलफ़िल हो पाई है इस बजट से। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपको ये बजट कैसा लगा, और अगर आपकी कोई डाउट है बजट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं उनका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।